दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एयरटेल के अंदर अगर आप एयरटेल की सिम यूज़ करते हैं और एयरटेल में आपके नो नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क इश्यू आ रहा है, नेट नहीं चलता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है नो नेटवर्क से रिलेटेड। अगर आपकी एयरटेल की सिम है और इन सभी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है तो गाइज़ आप हमारी ये वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप नो नेटवर्क प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे एंड पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन पर जाना है। स्मार्टफोन के अंदर जहाँ कहीं भी सेटिंग्स हो आपको सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद कुछ इस टाइप के ऑप्शन आपके सामने आएंगे। यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलता है हमें कनेक्शन सेटिंग्स का। कनेक्शन सेटिंग्स पर हमें क्लिक करना है। कनेक्शन सेटिंग्स पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस टाइप से हमारे सामने कनेक्शन सेटिंग यहाँ पर आती है। इसके अंदर दोस्तों एक ऑप्शन हमें देखने को मिलता है मोबाइल नेटवर्क्स का। मोबाइल नेटवर्क्स के अंदर ही हमें हमारे प्रॉब्लम का समाधान मिलेगा जिसकी मदद से हम नो नेटवर्क प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा नेटवर्क मोड पर। यहाँ पर आपको 5G ऑटो को सेलेक्ट कर लेना है जो भी सिम आप यूज कर रहे हैं। उसके अंदर जाना होगा नेटवर्क ऑपरेटर पर और यहाँ पर आप इसको ऑफ करना है और ऑफ करते हुए यहाँ एयरटेल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी एयरटेल की सिम है तो आपको एयरटेल सेलेक्ट कर लेना है और जो भी सिम है वो सेलेक्ट कर लें। ये सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों एक्सेस पॉइंट नेम पर जाना है और यहाँ पर जाकर आपको इसको रीसेट करना होगा। रीसेट करके जो नॉर्मल आपकी APN सेटिंग है उसको कनेक्ट करिए। अब आपके फ़ोन में आप चेक करेंगे कि आपके नो नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो गई होगी, यानी नो नेटवर्क की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई होगी। अगर ठीक नहीं हुई तो आप एक बार अपने फ़ोन को रोमिंग मोड को एक्टिवेट करिए, उसके बाद में ट्राई करें। ये सब कुछ करने के बाद आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो गई होगी। अगर नहीं हो रही है तो गाइस फिर आपको अपने स्मार्टफोन का जो नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है नो नेटवर्क की, उसके लिए गाइस आपको अपनी सिम को एक बार रिप्लेस करवाना होगा। सिम के सेक्शन में आ जाइए, सिम के ऑफिस के अंदर जो भी कंपनी आप यूज करते हैं, और वहाँ से सिम को रिप्लेस कराइए, नई सिम लीजिए, आपकी प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने स्मार्टफोन की नो नेटवर्क प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। एक स्टेप और होता है गाइस, अगर आपके सिम में किसी भी सिम में नेटवर्क नहीं आ रहे तो आप अपनी सिम के प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके फ़ोन में मदरबोर्ड के अंदर IC की प्रॉब्लम है। आप अपनी किसी भी मदरबोर्ड रिपेयर वाले से, मोबाइल रिपेयर वाले के पास जाइए और IC को रिप्लेस करवाइए, नई IC डलवाइए, आपकी प्रॉब्लम वहाँ से फिक्स होगी। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आई होप गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।